एक दूजे के वास्ते। नहीं तो गुड नाइट श्रवण। गुड नाइट सुमो। और इस बार ये गलती से नहीं आया। जल्दी करो पापा पापा। आराम से ठीक हो आप? हाँ डमरू। राजेंद्र बदतमीज शराबी। राजेंद्र राजेंद्र ठीक हो तुम? ये उसी में भी हमी को बर्बाद करेगा। हाँ बाहर आओ बाहर आओ। डमरू उधर से पकड़। उसे अंदर लाने की क्या जरूरत है विजय? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे कर्नल साहब मेरी वजह से आप लोग का गेट टूट गया। हाँ हाँ मगर मैं इसे ठीक करा दूंगा। हाँ ठीक मेरे पास बहुत पैसा है। बदतमीज बेवकूफ दलील आदमी। बहुत पैसा है तेरे पास तो लोगों की जिंदगी खरीदेगा। पापा जाने दीजिए होश में नहीं है भैया। प्लीज आओ डमरू। मैं होश में हूँ। हाँ हाँ मैं राजेंद्र में लौट रहा हूँ। हाँ हाँ मैं दो गेट लगवा दूंगा। हाँ पकड़ो इसे नींबू पानी इसे पी के थोड़ा ठीक लगेगा। ओ मैं ठीक हूँ जी। आप ठीक हो ना? टूटे फूटे तो नहीं कहीं से? क्यों अफसोस हो रहा है? ठीक नहीं होना चाहिए मुझे। चुप कराओ विजय वरना अच्छा नहीं होगा। आप प्लीज बैठो। आप बैठ जाओ। डमरू पानी नहीं दिया पापा को। अरे भैया कभी गिलास कभी फोन। अरे उठाओ तो काटो हमारी नींद मत खराब करो यार। श्रवण अभी क्या भी घर आओ। क्या हो तुम? सब ठीक तो ना? राजेंद्र अंकल यहाँ बहुत तमाशा हो रहा है तुम प्लीज जल्दी से आओ। मैं भी आना बस एक मिनट में। अरे फोन किसे कर रहे हो? धक्के देके बाहर निकालो ना उसे। पापा आप उसकी हालत तो देखो होश में नहीं है वो। और ये देवराज का फोन भी नहीं लग रहा है। इसे बाहर नहीं निकालूंगा। पुलिस बुला के इसे अंदर करवाऊंगा देखे जाओ। पापा क्या जरूरत है? बात बढ़ जाएगी पुलिस को बुलाएंगे तो क्या जरूरत है? क्यों ये बात बड़ी नहीं है? वो गाड़ी चढ़ा देता मैं मर जाता तब तुम्हें बात बड़ी लगती। कैसी बात कर रहे हैं पापा? आप आराम से बैठिए। देवराज का फोन भी नहीं मिल रहा मैं इसके छोड़ के आता हूँ घर पे। हर किस दिन अब पुलिस आएगी और वही फैसला करेगी। बुला लो जिसको बुलाना पुलिस बुला लो अदालत बुला लो। बोल रहा हूँ ना गलती हो गई मगर आप लोग समझ ही नहीं रहे। राजेंद्र मल्होत्रा यही बैठा है। अरे श्रवण पुत्र तू क्यों आ गया? अरे पुत्र मैं इनसे अकेले ही निपट लूंगा। ये जब पहली बार मिला था नशे में धुत था तब समझा क्यों इसका बाप भी ऐसे नशे में धुत पड़ा रहता होगा दिन भर।
खुद सोचो मिया, कैसे जाओगे अभी हुआ? यार सुमो को ना बात करके भी तसल्ली नहीं हुई, बहुत उदास लग रही थी। और अगर मैं नहीं गया ना तो मेरा मन ऐसे घबराता रहेगा। मैं जा रहा हूँ। बस बात और ना बिगड़ जाए मिया। यार क्लास ही तो जा रहा हूँ मैं, शांति से जाऊंगा, चुपके से वापस आ जाऊंगा ना। किसी को पता नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा ऐसा। हमारा भी कोई आत्मसम्मान है और बर्दाश्त करने की एक हद। उजी, ठंड रखो ठंड, आखिर दोस्त हैं आपके। अरे दोस्त होते तो फोन करते ना मुझे, मैं खुद अपने भाई को संभाल लेता। लेकिन नहीं, बाप बेटा ले गए इसे अंदर, पुलिस को बुलाया। अरे मैं कहता हूँ जो कुछ भी है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे भाई साहब मैं तो उनको। नहीं छोड़ो राजेंद्र, प्लीज मैं सब समझ गया। अब एक बात साफ है, हमारा उन लोगों के साथ कुछ लेने देना नहीं है। आज के बाद उस घर से हमारे सारे रिश्ते खत्म। और तू कितने जा रहा है सरदर्श के हैं? नहीं मैं तो एक दोस्त से नोट्स लेने जा रहा था मामा, बस। श्रवण एक बात तू ध्यान से सुन ले, आज के बाद हमारे घर से कोई वहां नहीं जाएगा और उनका हमारे घर पर कोई स्वागत नहीं होगा। ये समझ कि उनके साथ हमारा रिश्ता खत्म। क्यों सोच के वो हमारे पड़ोस में रहते ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? आ गई बाबू। आदित्य ये श्रवण की सीट है। प्लीज किसी तरह आ जाओ श्रवण, आओगे ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑल सेट? यस सर। क्लास शुरू करें? यस सर। गुड, बैठ जाओ। अब तो वो श्रवण अभी तक नहीं आया है। यही ठीक रहेगा उसके लिए। डमरू, अगर श्रवण मल्होत्रा यहां पर कदम भी रखे तो मुझे बताना, उसके चाचा की तरह उसका भी दिमाग ठिकाने लगा दूंगा।
स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सेक्रीफाइस. सुमन, बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है पापा, आई मीन सर. क्या कहते हैं? देखो मियाँ, फिलहाल तो अभी घर पर कोई नहीं है, तो एक काम करो, फट से यहाँ आ जाओ और खट से काम निपटा कर यहाँ आ जाओ. यहाँ काम सब देख लेंगे. कमाल है सुमन, तूने तो एक ही बार में कर लिया. वेरी गुड सुमन, सिट डाउन. हाय श्रवण, आओ. फिजिकल ट्रेनिंग क्लास चल रही है, ज्वाइन करो, बैठो. अच्छा हुआ आज घर पे दादू नहीं है. सुमन, गो देयर. श्रवण, ट्राई करो. और मिस्टर ब्रो, दिखाओ अपना टैलेंट, क्या हुआ? दो दिलों के प्यार की है ये दास्ता, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला. नीलों की थी दूरिया जो दरमिया. एक दूजे के फाइनली मुझे लगता है आज के बाद दोबारा गलती नहीं करोगी. पर इतनी देर लगा दी श्रवण यार, मुझे तो लगा था बड़ा स्मार्ट है तू. हाँ देर तो लगाई श्रवण ने, लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि उसने हार नहीं मानी और ये जीत की तरफ पहला कदम है. तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं आपसे. जय हिंद. जय हिंद सर. सी यू टुमारो. एक्चुअली घर पे अभी कोई नहीं था, इसीलिए आप आया. और विजय अंकल ने कहा ना, हार ना मानना जीत की तरफ पहला स्टेप है, तो बस मेरी कोशिश जारी रहेगी. वैसे हमारे सुवन कॉर्नर में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. जाऊं मैं? जाओ, मुझे पता है तुम सुबह क्या कर रहे थे. मेरे फेस से बाल हटा रहे थे ताकि मेरी नींद ना खुले. तुम्हें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं, ना सफाई देने की. मुझे भरोसा है तुम पे. और एक बात जो उस दिन के बाद फिर कभी नहीं कही, आई लव यू. आई लव यू वेरी मच श्रवण. आई लव यू टू सुमो. क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं पापा, वो बस एक दोस्त से बात कर रहा था. तो फिर ऐसे बंदरों की तरह उछल क्यों रहा है? सॉरी भाई साहब, आपको मेरी वजह से कोर्ट तक आना पड़ा. वो एक होते कितनी बार बोलेगा. हाँ ठीक है. श्रवण, तेरी मम्मी कहाँ है? प्लीज छत पे आओ ना. सुमन, सुमन. जी पापा. ऐसा क्या कर रही हो तुम फोन में? दो बार आवाज दी मैंने, तुमने सुना भी नहीं. वो मेरी एक फ्रेंड से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, तो बस उसी की हेल्प कर रही हूँ.
फौरन आओ। अरे श्रवण, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, मेरी बात सुन। क्या क्या हो गया इस लड़के को? खोया खोया घूमता रहता है आजकल। बेटा मेरे रूम से जरा डायरी लाके देना मेरी। क्या हो गया इसे? आजकल खोई खोई सी रहती है। पता है, पहले तो मैं डर गया था ये सोच के कि पता नहीं तुमने क्या समझ लिया होगा, पर ये पढ़ के अब मैं बहुत खुश हूँ यार। पर मैं तुमसे ज्यादा खुश नहीं हूँ। क्यों? वो क्लास के बाद मैंने तुम्हें कुछ दिया जो मुझे वापस नहीं मिला। अच्छा जी, तो जरा ये पकड़ के दिखाओ। वापस आते हैं अपनी क्लास में, यानी अपनी फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर जो आप सब लोगों की आ चुकी है। सर, सबने नहीं की, श्रवण की रिपोर्ट मेरे पास है जो उसने मुझे आपको सबमिट करने के लिए भेजी है। सर, श्रवण कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? उसने विदाउट परमिशन क्लास छोड़ी है जो कि आर्मी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। प्लीज सुमो, ये जंगल को फैसला खुद लेने देना। तुमने मेरी साइड ली तो निशा को जाएगा यार। श्रवण ने क्लास नहीं छोड़ी अनीश, उसने हर वो चीज किया जो हम सबने किया, बस जगह बदल दी, और इसे गिव अप करना नहीं कहते। चाहो तो सबूत देख लो। आराम से घर पर बैठकर फाइल बनाना काफी नहीं है। सर, हम सब ने यहाँ आकर मेहनत की है, फिजिकल टेस्ट दिए। हर टेस्ट की रिकॉर्डिंग उसने भी भेजी, जिसे प्रूव होता है सर कि वो इन क्लासेस को लेके कितना सीरियस और पैशनेट है। सामने नहीं था, पर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लड़ा है सर। और आप ही तो कहते हैं ना कि कोई सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। मैं एक एक रिपोर्ट देखूंगा, चेक करूंगा और इसके रिजल्ट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। ओके? ओके सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। वी विल मिस यू सर। आई विल आल्सो मिस यू। जय हिंद। जय हिंद। श्रवण को क्लास की एक्टिविटीज तुमने बताई? वो उसने खुद ही कहा कि वो सीखना चाहता है और मैं बड़ी हूँ उसकी, इसीलिए। और ये वीडियोस भी तुमने रिकॉर्ड किए? नहीं नहीं, ये तो बंटी ने। बंटी उसका दोस्त, हर वक्त उसी के साथ रहता है। तुम और श्रवण मिलो मुझे कल सुबह। हम दोनों एक साथ और इतने सीरियस? पापा को कोई शक तो नहीं हो गया? कितने दिनों के बाद फिर से कमांड ज्वाइन कर रहा हूं। टाइम से पहुंचकर कर्नल खान से सारा हैंडओवर ले लूंगा। और कुछ नहीं कहा अंकल ने? कहा ना कि तुम्हारे साथ मुझे भी आना है। बोला था ना मैंने कि अंकल को पेन ड्राइव और फाइल मत दो, उन्हें शक हो जाएगा। पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? पता है, एक तो आजकल के बच्चे ना अपने पेरेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है यूं चुटकियों में बेवकूफ बना देंगे, इतनी सी तो बॉन्डिंग है। पर नहीं, अरे हमसे ज्यादा अकल, दिमाग और एक्सपीरियंस है उनके पास। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो श्रवण? चुप रहोगे तुम? मुझे पता है कि पापा को तो बहुत एक्सपीरियंस है और उनका दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज। फिर भी तुमने मुझे पता क्या लगता है? पक्का ना अंकल को कंफर्म हो गया कि हमारे बीच कुछ चल रहा है? अरे पक्का थोड़ी ना है श्रवण, आई एम श्योर कोई और बात होगी। तुम परेशान मत हो। हाँ, और अगर सच में यही बात हुई तो
तुम एक प्रॉमिस करोगे मुझसे? क्या? कि अगर कल को या कभी भी हमारी फैमिली को हमारे बारे में पता चला ना, तो तुम सारी बात मुझ पे डाल देना। मतलब जो भी सहना ना, सब मैं सहूंगा यार। मुझसे ही नहीं होगा। अरे मेरी बात तो समझो यार। देखो मेरे पापा तो मुझे वैसे भी गदा और बेवकूफ समझते हैं, पर तुम्हारी फैमिली और स्पेशली तुम्हारे पापा, बहुत उम्मीदें उन्हें तुमसे यार। हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा शायद। जब प्यार दोनों ने किया है तो अच्छा बुरा सही गलत भी दोनों का है। इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आज कल या कभी भी अगर कोई भी मुश्किल हो ना, तो हम एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि और जोर से पकड़ लेंगे। करो प्रॉमिस कि हम एक दूसरे पे इतना विश्वास करेंगे श्रवण, कि ना ही कोई मुश्किलों से डरेंगे और ना ही इस दुनिया से। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। Promise. Of course यार, क्यों नहीं मिलूंगा? अरे पर उस वक्त फ्री हो गए तुम? I mean फैमिली के साथ तुम्हारे कोई प्लान्स तो नहीं है क्या? हर साल की तरह घोड़े बेच के सो रहे होंगे मेरे फैमिली वाले। तुम ना चिंता मत करो, इस साल बर्थडे तो मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा, वो भी तुम्हारे स्टाइल में। Awesome. अच्छा पर सुनो, सरप्राइज क्या है ये तो बता दो यार। बाय श्रवण। हेलो। ओह गॉड सुमन, श्रवण से बात करते टाइम तो तुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा था, करवा क्यों रही है तू? कल तक तो टैटू से बड़ी चिढ़ती तुझे। क्योंकि सुमन तिवारी अब बदल रही है कंचा। दर्द भी तो देखना कितना हो रहा है सुमन। अरे श्रवण की खुशी के लिए इतना दर्द तो सह ही सकती हूँ ना मैं कंचा। तू देखना ये मेरा सरप्राइज देख के ना डांस करने लगेगा वो। अरे बस रॉकेट की तरह उड़ता रहा हूँ तुम्हारे पास अपना सरप्राइज देखने के लिए। अच्छा तो फिर जल्दी आओ, बस 10 सेकंड में तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। अरे तुम गिनना तो शुरू करो, तुम्हारी गिनती खत्म होने से पहले वहाँ खड़ा मिलूंगा। ओके 8 7 6 5 4 3 2 1 कितने चला भाई हैं? बर्थडे के दिन भी घर पे नहीं टिकेगा क्या? हम सारे इकट्ठे हुए हैं तेरा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, और तू है कि ऐसे सेंट शेंट ला के राजा बाबू बन के घूमने चला है, कहाँ जा रहा है? अरे वो आंटी जी क्या है ना, आज इसका स्पेशल डे है और सब इकट्ठा भी हुए, तो हमने सोचा कि हमारा भाई अगर स्मार्ट नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसीलिए हम ही ने इसको कहा कि राजा बाबू मतलब तैयार जाने के लिए। अच्छा गेस कर, किसने सोचा होगा इस तरह तेरा बर्थडे प्लान करना है कि तुझे कई दिनों तक याद रहे? बोल बोल गेस कर, तेरे पापा ने बुद्धू। हाँ यार आज तो बनता है ना, अपने पुत्र के लिए पार्टी प्लान करना। इम्तिहान खत्म हो गए, अब धमाल नहीं करेगा तो कब करेगा? और फिर भी वो चाहता है कि देश में पुत्र की लास्ट बर्थडे पार्टी यादगार रहे। मैं समझा नहीं पापा, लास्ट बर्थडे मतलब? ओए तू अपने सपने पूरे नहीं करना चाहता? भाई तू अमेरिका चला जाएगा तो हम थोड़ी ना आ पाएंगे वहां। पापा वो मेल आया था मुझे। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, वहाँ उन्हें कोई गलत फहमी हो गई थी, मेरी बात हो गई। हाँ भाई सब लोग, आज मैं सब लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि मेरा बेटा श्रवण अमेरिका जा रहा है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।